रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, आपको प्रोफाइल फॉर्म फिलअप करना रहता है। लॉग इन करने के बाद आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉग इन आई डी मिल जाएगा और फिर पासवर्ड आपके पास, पासवर्ड आपने जनरेट किया तो पासवर्ड रहेगा। अभी लॉग इन आई डी और पासवर्ड के थ्रू आपको क्या करना है, लॉग इन करके अपना खुद का प्रोफाइल आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, अभी स्टूडेंट पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये हम लोग फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आपको जाके लॉग इन कर लेना है mu.ug.admission.samarth.edu.in। जैसे लॉग इन करोगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपको जाना है और इस पोर्टल पे जाने के बाद आपको ये तीन डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर अभी हमारे पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली में मेरे पास एक रजिस्टर्ड पहले से, तो मैं इसको पहले लॉग आउट मार देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट कर दिया इसको, अभी लॉग आउट करने के बाद वापस से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है लॉग इन करने का है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार आपके पास रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ में आपने जिस पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड होना चाहिए। आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है। अभी लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लॉग इन करने का, रजिस्टर यूजर लॉग इन करना है और न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं पता है स्टूडेंट, तो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इससे पहले बता दिया हो, तो पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आपको वही सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना और यहाँ पर पासवर्ड डालना और फिर इसके बाद एक कैप्चा यहाँ पर डालना। तो मैं आपको यहाँ पर लॉग इन करके बताता हूँ कैसे करना है। मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, देखो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ एक स्टूडेंट का, तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। आपने नहीं सेव करके रखे हो तो आपके पास वो ईमेल आईडी रहेगा, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो और वो पासवर्ड यहाँ पे आपको जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड डाल दो। नीचे स्क्रॉल करके आना, आपको यहाँ पर एक कैप्चा डालना है। इसके अंदर आपको देखो मेरे पास जो कैप्चा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 333664 और ये अकाउंट्स लॉगिन हो गया। अभी लॉगिन होने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन होने के बाद आपके पास सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर दो चीज दिया रहेगा, प्रोफाइल और सेलेक्ट द प्रोग्राम। प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल के बारे में जो आपके पर्सनल डिटेल वो सब आपको फिलअप करना है और यहाँ पर आपको दूसरा आपको सेलेक्ट द प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तभी यहाँ पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल में आते हैं, प्रोफाइल में फिलअप करता हूँ। साथ में यहाँ पर आपको दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है इसलिए यहाँ पे सही का टिक मार्क है। फिल द प्रोफाइल डिटेल आपको फिल करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। तो ये यहाँ पर आपका नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, ईमेल एड्रेस दिखेगा, करंट क्या स्टेटस है वो दिखेगा आपको। स्टेप वन कंप्लीट करना प्रोफाइल और स्टेप टू में आपको अप्लाई प्रोग्राम, दो स्टेप आपको फॉलो करना। तो स्टेप वन पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं प्रोफाइल पे। जैसे हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को डैशबोर्ड पे दिखेगा कि हम लोग को प्रोफाइल में इतने सारे टोटल चार डिटेल फिलअप करने हैं। फर्स्ट डिटेल आपको प्रोफाइल के डिटेल फिलअप करने हैं, सेकेंड में आपको अदर डिटेल्स फिलअप करने हैं, थर्ड में आपको अपलोड करना है, फोर्थ में आपको प्रिव्यू करना है। प्रिव्यू मतलब देखना आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल डिटेल फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। अभी यहाँ पर सेलेक्ट अप्लीकेंट के जेंडर पूछेगा, तो आपको जेंडर पे क्लिक करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपने पीछे डाला तो वो यहाँ से ले लेगा, सिर्फ आपको इसके ऊपर क्लिक करके करोगे तो आपको सामने वो दिखेगा जो डेट आपने पहले सेलेक्ट करके रखा। जैसे यहाँ पर मैंने 4 सेलेक्ट करके रखा तो 4 ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा, मंथ भी ऑटोमेटिक दिखेगा, सिर्फ आपको उसके ऊपर क्लिक करते जाना है। ईयर भी आपको ऑटोमेटिक दिखेगा तो क्लिक करते जाना है। आपको यहाँ पर अपने मदर्स, सॉरी आपका अपना नाम मराठी में यहाँ पे चाहिए, तो
मराठी में आपको यहाँ पर जाके गूगल से आप लोग चाहिए तो उसको टाइप कर लेना, टाइप करके कॉपी पेस्ट करके डाल देना। तो यहाँ पर हम लोग इसको अभी यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे मराठी में टाइप नहीं होगा, तो मैं गूगल से टाइप करके कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना, नेम मराठी में डालना है, तो मैंने यहाँ पर गूगल से टाइप करके डाल दिया। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो यदि आपका ओपन कैटेगरी तो ओपन, या आपको ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी रहेगा तो एसटी आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया। आपके पास यहाँ पर खुद का ईमेल आईडी है, एक यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना रहता है, मैं अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके जस्ट नीचे आपको मोबाइल नंबर आपका जो पहले से डाला हुआ मोबाइल नंबर वो रहेगा, और उसके नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर रहेगा। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर शो नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है वो प्राइवेसी का है और मैं वीडियो एडिट भी नहीं करने वाला, तो मैंने दोनों डालने के बाद आगे मैं आपको कंटिन्यू प्रोसेस बताता हूँ। तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो स्टूडेंट इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर और इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ओ पॉजिटिव यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट यूअर सिटीजनशिप, तो आपका इंडियन आर यू द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस कर देना आपको। यहाँ पर रिलीजियस आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो भी आपका रिलीजियस रहेगा वो सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो मैं प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री यहाँ पे, कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। स्टेट सेलेक्ट करना है, तो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट मुंबई, मुंबई सबर्बन आ गया। यहाँ पर मुंबई नहीं ले रहा तो विलेज सेलेक्ट करना है, तो मैं एज ए मलाड़ मान लो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद विलेज टाउन हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम ऑफ मदर इन द गिवन क्लास 12th मार्कशीट में जैसा आपका फर्स्ट नेम है वैसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके डालना है, तो मैं वो भी यहाँ पर पुट कर देता हूँ मदर नेम्स। मदर का मोबाइल नंबर है तो ऑप्शनल, आपको डालना तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फर्स्ट मार्कशीट मदर नेम, फादर फर्स्ट नेम आपको डालना है। इसके बाद फादर का मोबाइल नंबर डालना है, नहीं भी रहेगा तो ऑप्शनल। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है यहाँ पर, और कंबाइंड फैमिली इनकम तो आप लोग ऐसे रैंडमली डाल सकते हो, या तो जो भी आपके इनकम रहेंगे वो इनकम आप डाल सकते हो यहाँ पर। तो स्टूडेंट अभी मैं यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर फिलअप कर देता हूँ, बट वो मैं मोबाइल नंबर शो नहीं करने वाला हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं नंबर डालने के बाद आगे के प्रोसेस करते हैं हम लोग, मैं आगे बताता हूँ। अभी आपको इमरजेंसी नंबर डालने के बाद नीचे आपके पास आया अदर कैटेगरी कोटा सेलेक्ट करने के लिए। पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबल है, तो यदि डिसेबल रहेगा तो यस करना है, अदरवाइज नो आपको कर देना है। डिसेबल है तो फिजिकल विजुअल हियरिंग कैसा रहेगा वो, या नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। कश्मीरी माइग्रेंट है तो नॉट अप्लीकेबल, यदि आपके ऊपर है अप्लीकेंट रहेगा डाल सकते हो, अदरवाइज नॉट अप्लीकेंट आ जाएगा यहाँ पे अप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर नॉट अप्लीकेबल। चिल्ड्रेन विधवा आर्म फोर्सेस है तो नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा। डू यू बिलोंग टू अवार्ड एक्स सर्विस मैन, नो आ जाएगा यहाँ पर। सिंगल गर्ल्स चाइल्ड कोड कोटा नो, विंडो डाइवर्स ऐसा नो आ जाएगा। चाइल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर इम्प्लॉय है, यदि यस रहेगा तो यस करना, अदरवाइज नो आ जाएगा। आर यू द मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम, नो आ जाएगा। कल्चरल एक्टिविटी कोटा, कोटा में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो यस रहेगा तो यस करने का, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा।
स्पोर्ट कोटा में चाहिए तो यस, अदरवाइज नो आ जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है, मैं यहाँ पर एड्रेस जो है फिलअप कर देता हूँ। एड्रेस आपका है तो एड्रेस यहाँ पे डाल देना आपको। तो यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एड्रेस डाल दिया, कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया है, स्टेट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। इसके बाद सिटी मुंबई डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन, सेलेक्ट किया, पिन कोड डालना है यहाँ पर। तो पिन कोड जो भी था पिन कोड मैंने डाल दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पे बताना है कि परमानेंट एड्रेस सेम है क्या, तो परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, आ गया। अभी यहाँ पर आपको सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आर यू श्योर टू वॉन्ट टू सेव? यस। यहाँ पे मलाड नहीं ले रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसको एड्रेस थोड़ा सा चेंज करके मैं देखता हूँ, कुरार डाल के देखता हूँ सिटीज के नेम में। सेव किया, अभी कुरार भी नहीं ले रहे हैं, लक्ष्मण नगर, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ क्योंकि एक विलेज जल्दी लेगा नहीं तो आपको विलेज में थोड़ा सा आपको अप डाउन करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आपको हमेशा यहाँ पे डालना रहेगा आजू बाजू के जो भी एरिया आपको रहेंगे ऐसे। तानाजी नगर एक बार डाल के देखता हूँ मैं। नहीं ले रहा है, कुरार विलेज, कुरार विलेज देखते हैं। सेव करके नहीं लिया अभी भी। अभी मैंने यहाँ पर मलाड डाला तो ले लिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फाइनली प्रोफाइल का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर प्रोफाइल के पार्ट वन यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तभी जैसे सेव होगा तो फिर हम लोग वापस से नेक्स्ट अदर डिटेल पे आएंगे। सेव हो गया, सेव होने के बाद आपको ऐसे डिटेल दिखेंगे तो आप डिटेल अपना एक बार चेक कर सकते हो। और स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, बैक टू डैशबोर्ड, अपडेट डिटेल। तो आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट करना है जिसके अंदर आपको दूसरा वाला जो पार्ट्स है वो फिलअप करने के लिए आ जाएगा अदर डिटेल्स में। ये अदर डिटेल आ गया। अदर डिटेल में आपको दिया है डू यू एनी इलनेस विच रिक्वायर टू कंटिन्यूअस इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन चाहिए आपको, तो यदि यस कुछ है तो यस करने का, अदरवाइज नो आ जाएगा यहाँ पर, नो आ जाएगा। डू यू हैव द एनसीसी सर्टिफिकेट? नो। आर यू, यहाँ पे लिखा है एनएसएस कैंप? नो। यदि आपने यू हैव द पार्टिसिपेट एनएसएस कैंप में पार्टिसिपेट किया तो यस कर सकते हो। आर यू वॉन्ट टू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, फादर मदर कोई है तो नो। लैंग्वेज कौन कौन से आते थे यहाँ पर है आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया मराठी, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आता है तो तीनों पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मराठी मुझे स्पीकिंग से आता तो वही आएगा, हिंदी तीनों आता है तो तीनों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके अलावा इंग्लिश तीनों आता है तो तीनों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कंपल्सरी ऐसे एक तरीके से बोल सकते हैं।
अदर लैंग्वेज कोई आता है तो वो भी यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे गुजराती लैंग्वेज है ये भी मुझे तीनों आता है तो हम लोग तीनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेव टू नेक्स्ट कर देंगे। ये भी अभी इसका पार्ट वन का ये भी स्टेप एक क्या हो गया, अदर प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आएंगे अपलोड करना है।